गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोद्दार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उस कैटेगरी का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वह एक प्रकार का संघनन बहुलक है। बेकेलाइट बनाने के लिए सबसे पहले फिनॉल जो है उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अभिकृत करवाया जाता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें ऑर्थो व पैराहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ऑर्थो व पैराहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जो आगे इस बहुलक निर्माण में एकलक के रूप में काम आते हैं। जो व्युत्पन्न फिनॉल से हमें प्राप्त हुए हैं, जब वो आपस में एक सीधी संरचना के रूप में जुड़ते हैं, तो जिस रेखीय बहुलक का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं नोवोलक। उसे कहा जाता है नोवोलक। देखिएगा कि हमारे पास जो व्युत्पन्न हैं, यहाँ पे था CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2O, ऑर्थो व्युत्पन्न। यहाँ पे इस बेंजीन वाले के साथ जो हाइड्रोजन है इसके साथ इसका OH अभिक्रिया करता है और H2O का निष्कासन होता है, और इस प्रकार ये जो दो बेंजीन वलय हैं वो आपस में CH2 के माध्यम से जुड़ जाती है, और CH2 के माध्यम से जुड़ने के साथ जो रेखीय बहुलक आगे प्राप्त होता है, जो रेखीय बहुलक आगे प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं नोवोलक। नोवोलक जो है वो मुख्य रूप से पेंट्स में काम आता है, प्रलेप जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अगर हम लोग इस नोवोलक को आगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और गर्म करते हैं तो तीर्यक बंध बनने के कारण एक ताप दृढ़ बहुलक का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। यह स्ट्रक्चर है बेकेलाइट की। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के केस यानी पीछे का जो इनका खोल होता है वो बनाने में काम में इनको लिया जाता है। इसके अलावा ये कंघी बनाने के काम आने वाला एक बहुलक है। हमारे घर में जो बर्तनों के हैंडल हैं वो बनाने में भी यह काम आता है। तो ये थे औद्योगिक महत्व के कुछ औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलकों के उदाहरण। आगे हम लोग अब बात करेंगे जैव निम्नीकृत तथा अजैव निम्नीकृत बहुलकों के बारे में। जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में देखिए क्या होते हैं।
जैव बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैव बहुलक होते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक वे होते हैं जो एंजाइम क्रियाविधियों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे एक टाइम के बाद उनको नष्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पीएच, बीवी, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये कुछ ऐसे बहुलक हैं जो जैव निम्नीकृत बहुलक हैं और इनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ये नष्ट हो जाते हैं एंजाइम अभिक्रियाओं के द्वारा। अजैव निम्नीकृत बहुलक वे होते हैं जो मुख्यतः संश्लेषित बहुलक होते हैं, संश्लेषित बहुलक ये भी हैं लेकिन कुछ ज़्यादातर संश्लेषित बहुलक ऐसे हैं जो एक बार उपयोग में या बना लेने के बाद नष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम लोग पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन बहुत टाइम तक प्रकृति में रहती है, या हम लोग कहेंगे काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है। बेकेलाइट है, नायलॉन है, ये कुछ ऐसे बहुलक हैं जिनका जैव निम्नीकरण नहीं होता है और इनका निस्तारण पर्यावरण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या ले चुका है। आज हम लोग बात करते हैं कुछ जैव निम्नीकृत बहुलकों के बारे में। पहला जो जैव निम्नीकृत बहुलक है वह है पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं PLA। जब हम लोग लैक्टिक अम्ल के द्विलक, यह जो है वह लैक्टिक अम्ल का एक साइक्लिक द्विलक है, जब इसका बहुलीकरण करवाया जाएगा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। देखिए यहाँ पे हमें मिला सी डबल बॉन्ड ओ, यह मिला सी एच, साथ में आ गया सी एच थ्री ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओ, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री ओ ओ, यानी कि यहाँ के बाद जो है वह इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो बहुलक है इसे हम लोग कह रहे हैं क्या, PLA, पॉलीलैक्टिक अम्ल। पॉलीलैक्टिक अम्ल जो है वह साइक्लिक एस्टर, एलिफेटिक साइक्लिक एस्टर से बनता है। इसका उपयोग जो है वह चिकित्सा क्षेत्र में टांका लगाने और डायलिसिस में किया जाता है, टांका लगाने तथा डायलिसिस में किया जाता है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जिसे हम लोग लिखते हैं PGA। इसी से बिल्कुल मिलती जुलती इसकी संरचना होती है, हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे, यह इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ठीक है। जब इसका भी आगे विघटन होगा बहुलीकरण के लिए तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी सी डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बना क्या CH2, फिर ये O सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू और ये ओ, और यह जो है इसका पुनरावृत्ति होगी और यह जो है एक प्रकार का पॉलीएस्टर जैव निम्नीकृत बहुलक है जिसका उपयोग टांका लगाने में ही किया जाता है, ऐसे टांके जो अपने आप गल जाता है ऐसा टांका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो एग्जाम्पल है जैव निम्नीकृत बहुलक का वह है पॉलीकैप्रोलैक्टोन,
पॉली कैप्रा लेक्टॉन का, पॉली कैप्रा लेक्टॉन जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको लेक्टॉन कहा जाता है। पॉली कैप्रा लेक्टॉन बहुलक जो है कैप्रोलेक्टॉन, या हम लोग कहें कि ओमेगा कैप्रोलेक्टॉन जो है उसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जब यह बंड यहाँ से टूटेगा तो हमें मिला सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू कितने, एक दो तीन चार और पाँच, ये हो गया सी एच टू का हॉल फाइव, और ये हो गया यहाँ से देखिए ओ। ये जो बहुलक है सी डबल बॉन्ड ओ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है सी एच टू ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉली कैप्रोलेक्टॉन। पॉली कैप्रोलेक्टॉन बहुलक जो है वह नियंत्रित ड्रग रिलीज कैप्सूल बनाने के काम आते हैं। नियंत्रित ड्रग रिलीज कैप्सूल यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में इनमें जो एस्टर चेन है वो टूटने लगेगी और दवाई जो है वो रोगी के शरीर में काम आने लगेगी। नियंत्रित ड्रग रिलीज का मतलब ऐसा होता है कि ड्रग्स को शरीर में एक कंट्रोल के साथ रिलीज किया जाए। इसका जो अगला एग्जाम्पल है वह है PHBB, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इसका नाम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बीटा ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये वेलरिक अम्ल का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है और ये ब्यूटेरिक अम्ल का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वे होती हैं 3-hydroxybutanoic अम्ल, यह है 3-hydroxybutanoic अम्ल, और दूसरी एकलक इकाई होती है 3-hydroxypentanoic अम्ल, यह है 3-hydroxypentanoic अम्ल। देखिए यहाँ पे ये जो एसिड ग्रुप है ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करेगा तो H2O निकलेगा और जो बहुलक बनेगा वह एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो एकांतरित, एक बार ये यूनिट एक बार ये यूनिट, संघनन बहुलक है और इसको हम लोग लिख सकते हैं यह है जो है वह किसकी स्ट्रक्चर हो गई PHBV। PHBV जो है यह भी नियंत्रित ड्रग रिलीज कैप्सूल में काम आता है। अब इस टॉपिक का या इस चैप्टर का कहे सबसे लास्ट जो एग्जांपल है वह है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो है वह ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो अम्ल होता है, ग्लाइसिन तथा अमीनो कैप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त एक संघनन बहुलक है जिसको हम लोग इस प्रकार से
लिख सकते हैं। यह एक प्रकार का पॉलीएमाइड बहुलक है। इसमें एक एकलक इकाई में कार्बन की संख्या दो, इसलिए इसका नाम हो गया नायलॉन टू, और एक में एक कार्बन की संख्या छः, इसलिए नायलॉन सिक्स। तो इस प्रकार ये पांच ऐसे उदाहरण हैं जो जैव निम्नीकृत बहुलक है, जो आसानी से एंजाइम क्रियाविधि द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और इसी के साथ आप लोगों का जो पॉलीमर चैप्टर है यह पूरा हो चुका है। आपको इस वीडियो के साथ ही पिछले सालों में जो आए हुए बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हैं उनकी एक सीट मिलेगी, जो आप लोगों को सॉल्व करके मुझे उसका पिक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। थैंक यू।